आतंकवाद का दंश आज दुनिया झेल रहा है, भारत भी इसका पीड़ित रहा है। लेकिन 2014 से, खासकर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से आतंकवाद पर करारा प्रहार हो रहा है। जिस तरह मनमोहन सरकार में आतंकी हमले से शहर शहर सहमा रहता था, आज मोदी सरकार में ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियां बदली है। जम्मू कश्मीर में 2015 के बाद से 581 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। साल 2015 में सुरक्षा कर्मियों ने 108 आतंकवादियों को मार गिराया। इसी तरह 2016 में 150 आतंकी मारे गए। 2017 में 213 आतंकवादी मार गिराए गए, जबकि साल 22 जुलाई तक सुरक्षा बलों ने 110 आतंकियों को जन्नत का सैर करवा चुका है। साउथ कश्मीर में आज भी सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। यही नहीं, आज सेना आतंकियों का ठिकाना मिलने पर सीमा पार कर भी उसे मौत के ठिकाने लगा रही है। बॉर्डर पार कर सेना ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आज देश की जल सेना हो या थल या फिर वायु, सभी पहले की अपेक्षा ज्यादा सशक्त हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि इन सब के बावजूद भी आतंकी कश्मीर में आज भी लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार और सेना की रणनीति के कारण आतंकी किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में भी पीएम मोदी सफल हुए हैं। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज बेनकाब हो चुका है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है, और यही वजह है कि आज आतंकी अपना सबसे बड़ा दुश्मन पीएम मोदी को मानता है।